मेरी गाड़ी में कुछ टाइम से एक बहुत बड़ा पंचर, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उसमें ना कभी पंचर बनवाता हूँ तो 3 से 4 पंचर लगते हैं और कभी भी उसकी लीकेज बंद नहीं होती है। तो मेरे को तो नहीं पता था, मैं तो सोच रहा था कि शायद मेरे को टायर ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक बार मैं पंचर बनवाने गया था, उसने उसने 4 से 5 पंचर लगाए, लेकिन उसने बताया कि आपको मशरूम पंचर लगवाना पड़ेगा। तो आया हूँ मैं अभी मशरूम पंचर लगवाने और देखते हैं कैसे लगता है। अभी वो टायर निकाल रहे हैं, टायर खोलना पड़ता है और कि मेरा ट्यूबलेस टायर है उसके अंदर से वो लगाएंगे। मैं दिखाऊंगा पिक्स भी। ये मेरे ख्याल से 2 बार बना हुआ है, ये है 2 बार बना हुआ है ये, जो पता नहीं क्या दफा लगाएगा तुम। एक बार में 4 लगे हैं, एक बार में शायद 3 लगे थे, एक में हाँ इसी में जो 3 लगवाए थे वो तो लीक कर गया था, फिर 4 लगवाए थे। ये इतने ढेर सारे पंचर निकले हैं इसमें से और साथ में ये कील भी निकली है, ये सारी एक साथ। ये छेद में थी, काफी बड़ा छेद हो रखा है, अब इसमें लगाएंगे मशरूम पंचर। इतना बड़ा छेद है कि क्लियरली विजिबल है, इतने सारे पंचर हैं। ये लेटेस्ट पड़वाए थे जो रेड कलर में दिख रहे हैं, 4 ये थे, और जो काले से हो रखे हैं ये 3 पहले के थे, 7 पंचर थे टोटल। ये पहले भैया ने ग्राइंडर से इसको घिस लिया है पूरा, जिससे कि उसको चिपकाने में आसानी होगी। अंदर थ्रेड्स बने हैं ना, थ्रेड्स को पूरा घिस दिया है पहले ग्राइंडर से। मैंने बनवा लिया है अपना पंचर, टायर का पंचर, और काफ़ी दिनों से मैं इसको ठीक करने की सोच रहा था, लेकिन जो कि गाड़ी में बम्पर रखा हुआ था हवा भरने वाला तो ऐसे ही काम चलता रहता था, लेकिन फाइनली आज मैंने बनवा लिया। मैं सीट बेल्ट लगा लूँ ज़रा। मेरठ रोड पे ड्रीम ह्यूंडई का जो शोरूम है उसके 10 कदम आगे ही थी है इस्माइल पंचर शॉप। मेरे को पता नहीं था इस मशरूम पंचर के बारे में, लेकिन अच्छा था, एटलीस्ट मेरे को टायर नहीं डलवाना पड़ा। मैं डर रहा था यार भाई, एक इतना बड़ा छेद हो रखा है उसमें, मेरे को लगा था टायर चेंज ना करना पड़े। मैं बच गया, 4000 रुपये बच गया। इसलिए बनाया मैंने ये वीडियो आज का क्योंकि शायद किसी को यूज़फुल लगे, जैसे मेरे को नहीं पता था, बहुत लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा इस मशरूम पंचर के बारे में, ट्रैवलर्स के लिए खास तौर से दिस विल बी अ मनी सेवर फॉर मैनी पीपल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यूज़फुल है हुआ हो आपके लिए किसी भी समय पे, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। बाय।